हीरा उगलने वाली पन्ना की धरती में हीरों का बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन किया जा रहा है। बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा लगातार अवैध उत्खनन किया जा रहा है, लेकिन अब पन्ना एसडीएम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकोहा क्षेत्र में कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान पोकलिन मशीन और एलएनटी जब्त की गई है। वहीं कार्रवाई के बाद अवैध हीरे का उत्खनन करने वालों में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि यहां पर भारी पैमाने पर बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा गहराई तक अवैध उत्खनन किया जाता है और 25 से 30 फीट गहरी खुदाई कर हीरे की चाल निकाली जाती है, जबकि ये पूर्ण रूप से बिना पट्टा लिए अवैध उत्खनन किया जा रहा है। यहाँ पर रेलवे की जमीनें, वन क्षेत्र भी लगा हुआ है। सरकोहा बांध का निर्माण भी हो रहा है। यहाँ पर हर वर्ष में गर्मियों में भारी पैमाने पर उत्खनन होता है। क्या कार्रवाई? ऐसी सूचना मिली थी कि जेसीबी मशीन के माध्यम से, एलएनटी पोकलेन मशीन के माध्यम से काफ़ी गहरी खुदाई की जा रही है, अवैध उत्खनन किया जा रहा है। तो देर रात राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम सरकोहा पहुंचकर जांच की तो पाया गया कि वहां पे 3 बड़ी एलएनटी पोकलेन मशीनें जो हैं उत्खनन कार्य कर रही हैं। उनके चालकों से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वे यहाँ से हीरा की खोज के लिए जो मिट्टी निकाली जाती है उसका उत्खनन कार्य कर रहे हैं। तो उन्हें ऐसा प्राथमिक रूप से पाया गया कि ये उत्खनन जो है ये अवैध उत्खनन तक के अंतर्गत है। तो वाहन चालकों को रोकते हुए अवैध उत्खनन रुकवाया गया। इसी दौरान उन जेसीबी पोकलेन मशीनों के मालिक भी उपस्थित हुए। कौन थी मालिक? एक जेसीबी मशीन पीले रंग की है, जिसके मालिक ठाकुर प्रसाद यादव जी हैं। एक हुंडई कंपनी की बड़ी एलएनटी पोकलेन मशीन, जिनके मालिक भूपेंद्र सिंह जी हैं। एक और हुंडई की मशीन अन्य स्पॉट पे पाई गई थी, जिसके मालिक गीत गंगा पिता गोविंद चंद सिकदर, बड़गड़ी खुर्द के रहने वाले हैं। इन तीनों मशीनों को अवैध उत्खनन करते पाए जाने पर जब्त किया गया है और जांच कार्यवाही जारी है। सर, पन्ना जिले में हीरा खदानें संचालित हो रही हैं, ब्रिजपुर हो या हो, लेकिन यहाँ भी मशीनों से काम हो रहा है, सरकोहा जैसी, इनमें आपके द्वारा जानकारी पाते हुए कार्रवाई की जाती है, तो क्या इनके कोई मापदंड है क्या कुछ ऐसा? बिल्कुल, शासन के हर चीज़ों के लिए, हर गतिविधि के लिए मापदंड निर्धारित हैं। हीरा उत्खनन के लिए या निजी भूमि स्वामियों की जमीन के लिए जो पट्टे जारी किए जाते हैं उसके भी मापदंड निर्धारित हैं। बता दें कि मामले की जांच की जा रही है। एसडीएम का कहना है कि खनन वाली जमीन में हीरे की चाल खोदने का पट्टा बना है या नहीं, उस आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पंजाब केसरी के लिए पन्ना से टाइगर खान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।